परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद हो आप पर, स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर की शांति हो आप पर। प्रार्थना का समय इस वक्त में उन मनुष्यों तक स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर का संदेश पहुंचाना चाहता हूं, जो इस वक्त बड़े संकट में हैं, बड़ी परेशानी में हैं, कोर्ट कचहरी की परेशानी से जो गुजर रहे हैं, गरीबी भुखमरी की समस्या से गुजर रहे हैं, आत्महत्या करना चाहते हैं। मैं उनके लिए एक वचन बताना चाहता हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं और वो इस वक्त कह रहे हैं, उनका वचन कह रहा है भजन संहिता 50 उसका 15 पद में, एंड कॉल अपॉन मी इन द डे ऑफ ट्रूबल, आई विल डिलीवर दी एंड thou shall glory me। अर्थात और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का यह वचन कहता है जो मनुष्य संकट में है वो परमेश्वर को पुकारे। आप किसी भी संकट में क्यों ना हो, किसी भी परेशानी में क्यों ना हो, चाहे वो कोर्ट कचहरी की समस्या हो, चाहे कर्ज की समस्या हो, चाहे किसी बीमारी की समस्या हो, दोस्तों आपके दोस्त, आपके मित्र, आपके रिश्तेदार आपका साथ छोड़ देंगे, परंतु सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने आपको बनाया, जिसने आपको रचा, वो हमेशा अपनी आंखों से आपको देखता रहता है, क्योंकि मनुष्य को उसने अपनी समानता में बनाया, अपनी रूह से बनाया, अपने हाथों से बनाया। भला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर भूले भटके अपने उन हाथों की रचना मनुष्य को कैसे भूल सकता है। आज वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है बेटे, मेरे बेटे वापस लौटा, अपने पिता के घर में, अपने परमेश्वर के घर में लौटा। यदि आज आप स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर को ये कहकर पुकारते हैं, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया करो, मेरे पाप क्षमा करो, बचपन से लेकर आज तक, जन्म से लेकर आज तक जो किया वो बुरा किया, पाप किया, गुनाह किया, मैं अपने सारे पापों को मान लेता हूँ, हे परमेश्वर मैं अपने पाप, अपने अधर्म, अपने सारे बुरे कामों को आपके हाथ में देता हूँ। ये कहें कि प्रभु आप मेरे दिल में आए, हे परमेश्वर आप मेरे दिल में आए, तो तुरंत परमेश्वर आपके दिल में आएंगे, आपको अपनी पवित्र